जैसा कि आपको पता है कि अजमेर में लगातार नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हुक्का के रूप में हो, चाहे कहीं अन्य जो नार्को ड्रग्स है उसको लेकर के हो। इसी को लेकर के हमें सूचना मिली थी सागर विहार कॉलोनी में कि कुछ लड़के हैं जो फ्लेवर्ड हुक्का का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके पास हुक्का है और उसकी जो फ्लेवर्ड सामग्री हुक्के पे जो डाली जाती है वो उसका यूज कर रहे हैं, चूँकि एक प्रतिबंधित है। और इसको लेकर के हमने एक टीम बनाई और वहाँ पर जब दबिश दी तो 5 व्यक्ति हमने उसमें से राउंड अप किए थे और उनके साथ हुक्का और फ्लेवर्ड जो इसके अंदर मसाला डाला जाता है वो हमने उसको जब्त किया है। इन 5 व्यक्तियों के नाम मोहम्मद राशिद है एक का, जो कि मदार टेकरी कुंदन नगर का है, एक फैजल खान फूस की कोटी का रहने वाला है, शुभम कंडारे है वो भी फूस की कोटी का है, मोहम्मद मोहसिन ये रशीद मोहम्मद न्यू कॉलोनी कल्याणीपुरा रोड अजमेर का है, 5वां है ईशांत गोयल सन ऑफ आनंद गोयल, जो कि राम भवन नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर का रहने वाला है। इस तरह से 5 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया, उनसे फ्लेवर्ड जो मसाला डाला जाता है हुक्के में फ्लेवर और प्लास्टिक की एक बोतलनुमा हुक्का को हमने जब्त किया है। हमारी टीम के अंदर जो काम करने वाले थे उसमें रणवीर है, किशोर कुमार हेड कांस्टेबल है, सुमेर हेड कांस्टेबल है, सुनील है, हरेंद्र है, मुड़ाराम है और किशन है। कहाँ पर संचालित कर रहे थे, घर था या कोई कैफे बना रहा था? कोई खंडर नुमा एक मकान था सागर विहार कॉलोनी, उसमें ये हुक्के का प्रयोग कर रहे थे। कोई मालिक है क्या खंडर का? अब वो अनुसंधान का विषय है किसका था क्या?